आपने सैटर्न या शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन के बारे में कभी जरूर सुना होगा। टाइटन हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा चांद है जिसका खुद का एक डेंस एटमॉस्फेयर है। इनफैक्ट टाइटन का एटमॉस्फेयर हमारे धरती से भी ज्यादा डेंस या घना है। पर यहाँ एक कैच है, टाइटन का एटमॉस्फेयर हमारी धरती की तरह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से नहीं बना है, बल्कि ये नाइट्रोजन और मीथेन से कंपोज्ड है। टाइटन में धरती की तरह रिवर, लेक्स और ओशंस भी है, पर ये पानी से नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन और इथेन से कंपोज्ड है। इन लिक्विड्स की वहाँ बारिश तक होती है। टाइटन का एक चांद होते हुए भी इसमें इस तरह का एक डेंस एटमॉस्फेयर का होना इसे हमारे सोलर सिस्टम के सारे चांद से बहुत ही अलग बनाती है। किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का एटमॉस्फेयर होने का कारण होता है उसका मास, सन से उसका डिस्टेंस और उसके एटमॉस्फेयर का एक सोर्स। टाइटन की बात करें तो ये हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे डेंस मून है और उसकी सूरज से डिस्टेंस करीब 1.4 बिलियन किलोमीटर है। शायद यही कारण है कि ये समय के साथ कुछ गैस रिच आइस को अपने इंटीरियर में ट्रैप कर पाया, जिससे इसका डेंस एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो पाया। ये समय के साथ ही पता चल पाएगा कि इसके इतने अलग होने का एग्जैक्ट रहस्य क्या है। इनफैक्ट टाइटन को हम जितना जान पाएंगे इसे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमारे यूनिवर्स में पोटेंशियल लाइफ के संधान में। अगर आपको ऐसे शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।